ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੋਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਟਰੋਇਡਲ ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰੋਇਡਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ ਥਿਊਰਮ ਆਫ perpendicular axis। Theorem of perpendicular axis। देखो बेटा ध्यान दो, अगर थोड़े सामने एक प्लेन लैमिना, लैमिना प्लेन लैमिना मतलब शीट, टू डायमेंशनल बॉडी, हम जिदा स्फीयर है, सिलेंडर है, ये थ्री डायमेंशनल बॉडीज है, रॉड वन डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये जी थ्यूरम है, थ्यूरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज एप्लीकेबल टू प्लेन लैमिना ओनली, जबकि जी थ्यूरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कल की सी आपां, वो चाहे वन डायमेंशनल बॉडी रॉड है, चाहे रिंग है, डिस्क है, तो चाहे स्फीयर है, सिलेंडर है, तो हर तरह की बॉडी ले वो एप्लीकेबल सी। ये सिर्फ हाँ प्लेन लैमिना टू डायमेंशनल बॉडी लाइक रिंग डिस्क उदे लिए एप्लीकेबल है ये थ्यूरम, है ना। स्क्वेयर रेक्टेंगुलर शीट उदे लिए एप्लीकेबल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन खास ध्यान देना पुत्र। हाँ टू डी बॉडी, प्लेन लैमिना बॉडी, वो हर बॉडी लिए, हर तरह की बॉडी लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल। लैमिना मीन्स शीट, है ना, टू डायमेंशनल बॉडी कह लो, और ये रिंग भी आ जाएगी, डिस्क भी आ जाएगी, है ना, स्क्वेयर शीट भी आ सकती है, रेक्टेंगुलर शीट भी आ जाएगी, तो वो सारा कुछ है। अगर थोड़े सामने 2D प्लेन लैमिना की गल की जाए तो बोर्ड भी एक प्लेन लैमिना ही है ना, ठीक है। तो हुण मैं इस बोर्ड के उपर टू डायमेंशनल बॉडी ड्रॉ करन लगा वा, तो शी
सीन इदा वा तो आ प्लेन सरफेस है आ प्लेन सरफेस है तो आ जिहड़ी एक्सिस है इहदे प्लेन सरफेस दे परपेंडिकुलर है ते आ जिहड़ी एक्सिस है इहदे प्लेन सरफेस दे पैरेलल कह लो टेंजेंशियल कह लो और इवन आ भी टेंजेंशियल या पैरेलल ठीक होगी गल मतलब इधर देखो हम आ कौन है ये वो एक्सिस है जिहड़ी की लैमिना दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है ते आह टेंजेंशियल है टेंजेंशियल है मतलब इधर प्लेन चलाई कर रही है इधर भी कह सकते हैं ना हूँ बेटा पटे सामने मैं एक आ एक्सिस ड्रॉ कर देना उन ध्यान नाल सोच समझ के देखो ए एक्सिस इस दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है कि प्लेन चलाई कर रही है प्लेन चलाई कर रही है ना आ वाली जिहड़ी डॉटेड एक्सिस है हुण इस एक्सिस दा तुसी कोई नाम रख सकते हैं मैं कहना भी एदा नाम है गल नूं सुनी जाइयो हाले लिखियो ना ध्यान इधर रखो बस मैं एदा नाम रखता एक्सिस नंबर पर नाल मेरे दिमाग च है भी ए एक्सिस जिहड़ी है वो प्लेन लैमिना दे प्लेन चलाई कर रही है ठीक है हुण जिद्दां कि सानूं पता हर बॉडी जिहड़ी है उहदा जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इहदा मतलब आ जिहड़ी प्लेन लैमिना वा इहदा कोई ना कोई तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा ही ना अबाउट एक्सिस नंबर 1 वो आपा नोट कर लिया कितना होएगा तो मान लो वो है आई वन ठीक है हुण पुत्तर ए जिहड़ी है लैमिना ए इदां पिया ना इदां मान लो इदां पिया तो आ जिहड़ी मैं डॉटेड लाइन है इदां आ वाली शो करती है हुण एक लाइन मैं आ भी तां प्लेन च लाई कर रही है पर आ जिहड़ा हुण पेन रखिया हुण वाला ते पहले वाले च की फर्क है दोनों एक दूजे दे परपेंडिकुलर है मतलब आ जिहड़ी एक्सिस नंबर जिहनूं मैं 1 बोलिया वो इस प्लेन लैमिना दे प्लेन च लाई कर रही एक्सिस है और आ जिहड़ी एक्सिस है हुण डायग्राम दे विच इहनूं इदां बना रही आ आपस च किन्ना एंगल बना रहे 90 डिग्री दा और प्लेन च है इदां परपेंडिकुलर नहीं है अभी प्लेन ची है इधर नाम मैं की रख देना एक्सिस नंबर 2 ठीक है पर इस एक्सिस दे अबाउट भी इधर कोई ना कोई मोमेंट ऑफ वो है आई टू और पुत्र ये जड़ियां दो एक्सिस है जड़ियां की प्लेन लैमिना दे प्लेन चलाई कर रही हैं और एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है ये आपस च जिथे इंटरसेक्ट कर रही हैं इतने इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जितने इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे मैं एक आईडी लाइन ड्रॉ की थी है ना इन्हों अपना नाम दे दिए एक्सिस नंबर 3 पर ये केडी एक्सिस है प्लेन च नहीं है प्लेन दे परपेंडिकुलर मानते अपन आईडी एक्सिस है लाइन इन द जेड वर्ग हाँ हुण देखो इहनूं आपां कह सकदे आ इहदे नाल ब्रैकेट भी आ वाली एक्सिस प्लेन चलाई कर रही है लाइंग इन द प्लेन एक्सिस 2 भी लाइंग इन द प्लेन ते एक्सिस 3 जिहड़ी है नॉर्मल टू द प्लेन है और इहदा मतलब जिहड़ी एक्सिस 3 है वो 1 और 2 दे परपेंडिकुलर है ना ते कित्थों दी पास कर रही है जिथे दोनों 1 और 2 प्लेन वालियां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को पास कर रही है अच्छा हुण ये जड़ी नंबर 3 एक्सिस है इहदे अबाउट भी तां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा I3 होएगा
गल नूं सुनियो पुत्र समझियो। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम के रिजल्ट्स असीं याद रखते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिहड़ी है वो कह रही है कि अगर तुहाडे सामने एक प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना चाहे वो डिस्क है, चाहे वो रिंग है, चाहे वो स्क्वायर शीट है, चाहे रेक्टेंगुलर शीट है, तो अगर उस प्लेन लैमिना दे प्लेन च दो परपेंडिकुलर एक्सिस लाई कर रही हैं, जिद्दां कि साडी एग्जाम्पल च 1 एंड 2, और तीसरी एक्सिस उहदे प्लेन दे परपेंडिकुलर है ते उस पॉइंट चो पास कर रही है जिथे प्लेन च लाई करन वाली हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तां जिहड़ा i3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये केड़ी एक्सिस दे अबाउट है? परपेंडिकुलर वाला। और आ दोनों प्लेन वाले, तब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि i3 की वैल्यू i1 प्लस i2 दे इक्वल है। समझ गए? नहीं नहीं, वो भी दस दें, वो दिता भी हो सकता है ना, निकालना भी हो सकता है। और एक थ्योरम है कि अगर थानू गल दोबारा सुनियो, अगर थानू एक प्लेन लैमिना दिता और उस प्लेन लैमिना दे प्लेन च जिहड़ियां दो परपेंडिकुलर एक्सिस है उन्हां दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता वा, तां उन्हां दे परपेंडिकुलर प्लेन दे परपेंडिकुलर और उन्हां दे कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पास करन वाली एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा, जिन्ना i1 i2 दे अबाउट सी उन्हां दे सम दे बराबर। चित्राक्ष कृष्णा गर्व खुशी दोबारा देखो बेटा, हुण गल नूं सुनो, हुण ध्यान दिओ, अगर तुसीं प्लेन दे विच लाई करन वालियां दो एक्सिस चों एक दा नाम रख दिंदे आ एक्स एक्सिस, दूजी दा नाम रख दिंदे आ वाई एक्सिस, है ना, मान लो इनू मैं एक्स एक्सिस कहता, इनू वाई एक्सिस कहता, इनू जेड कहता, तो फिर वन टू की जगह आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, है ना। गल सुनो पुत्र, समझना केड़ा कोटा, ये नहीं लाना भी आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होंदा ना, है ना। हुण अगर मान लो मैं तुहानू कहां कि जिहड़ियां प्लेन च लाई कर रही हैं दो एक्सिस है, एक वाई है एक जेड है, ते एक्स एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है, फिर यही आई एक्स मतलब याद रखने वाली गल ये है कि जेडी एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है उदे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू जेडियां दो प्लेन च लाई कर रही हैं उना दे सम दे बराबर है, और वो नाम कुछ भी दो जो प्लेन लाई कर रहे हैं वो भी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, हां और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जितनी परपेंडिकुलर ही होनी, जितनी नहीं वो करांगे वो यूज। देखो हुण अगर ये गल थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो आपां इनू हुण एप्लीकेशन मोड च लैके आने हैं ना, ये समझ आ गई गल। देखो पुत्र, मैं तुहाडे सामने हां प्रूफ ही है, प्रूफ तो बाद ही गल्लां आ रही हैं, सानू तां रिजल्ट मिल रहे हैं ना, क्योंकि डेरिवेशंस
बंद करती हैं साड़ियाँ अदरवाइज तो प्रूफ है थ्योरम बिना प्रूफ दे थोड़ी होती जी साइंस है वो बिना प्रूफ दे कोई गल एक्सेप्ट नहीं होनी साइंस वो साइंस है जिन्हों असी नंबर्स दे विच एक्सप्रेस कर पाने हैं जिहड़ी चीज़ नूं इक्वेजन च नहीं एक्सप्रेस कर पाने वो साइंस नहीं है वो सिंपल गल तो हो सकता लॉजिक तो हो सकता बट उन्होंने साइंस नहीं कहने तो ये सारे प्रूफ्ड गल है ना रिजल्ट है जो आप याद रखने हूँ इन अप्लाई कितना करना हूँ प्लेन लैमिना आप ले लीए सब तो पहला लीए रिंग रिंग लो सर्कुलर रिंग और एक गल तुहानू दसी हुई है और विदाउट एनी हैजिटेशन हमेशा लई तुसी इनू अप्लाई करना कि कोई भी जिहड़ी बॉडी है ना जिहदे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बारे आपां गल कर रहे हैं उस बॉडी दे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नूं कढ़दे वक्त ये दिमाग च हमेशा रखो कि उहदे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस यूनिफॉर्म ठीक है हुण तुहाडे सामने मैं रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जी रिंग ड्रॉ कर रहा हाँ ना वो मैं पूरी रिंग शेप दिखाती थानू वाले मीनिंग थानू हम की पता लगेगा भी आ जी रिंग है यदा मास है रेडियस है आ ठीक है हम गल सुनियो पुत हूँ मैं जेडियां दो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन दे विच लाई कर रही हैं ड्रॉ करदा उन्हां विचों दोनों एक्सिस ही सेंटर ऑफ रिंग चो पास कर रही हैं सेंटर ऑफ रिंग चो पास कर रही हैं अच्छा इस एक्सिस का की नाम रखना चाहते हैं तुसी एक्स एक्सिस रखता तो फिर ये ना सूट करेगा वाई एक्सिस आ एक्सिस कौन है Z एक्सिस और आवाली जड़ी आवाली एक्सिस है और इन्हु अपां तो और उसी ड्रॉ करते वक्त लिख सकते हैं भी X एक्सिस और Y एक्सिस प्लेन चलाई कर रही है और Z एक्सिस वाले प्लेन दे नॉर्मल है परपेंडिकुलर लिख लिया इस डायग्राम के नीचे लिख लेना सर्कुलर रिंग है ना तो आ जी एक्सिस है इधे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है इधे अबाउट और इधे अबाउट आई जेड है ना और थोड़ा जहा दिमाग च लास्ट लेक्चर की गल लेके आओ अगर ये रिंग है ते ओस दा सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास भी है ध्यान दियो पुत तो आ जी z एक्सिस है केडी एक्सिस बन गई रिंग दी सेंट्रोइडल एक्सिस जेडी की ओदे प्लेन दे परपेंडिकुलर है ते नाल ही थोड़ा दिमाग च स्ट्राइक करना चाहिदा वा करना थ्योरी पढ़न तो बाद उन्हें याद रखी है कि आई जेड ता सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली की है रिंग दी सेंट्रोइडल एक्सिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन ते ओदे अबाउट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा वा रिंग दा एम आर स्क्वायर देखो ता है ना ये याद रखने पैने तो इहदा मतलब जिहड़ा आई जेड है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਸੈਂਟ੍ਰੋਇਡਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ
एक्स एक्सिस है ये रिंग दे प्लेन चलाई कर रही है कर रही है और ए एक्सिस रिंग नु दो बराबर पार्ट्स च डिवाइड कर रही है ठीक है हुन ध्यान हटा के वाई एक्सिस वाल ले जाओ सिर्फ वाई एक्सिस वाल वाई एक्सिस भी ता रिंग नु दो हिस्सियां च ओदा ही वंड रही है जदा एक्स एक्सिस है कि नहीं इदा मतलब की होया इदा मीनिंग होया कि जेड़े आई एक्स और आई वाई है हो सेम है आई एक्स ते आई वाई सेम है स्मिट्री करके है ना हुन आओ चलदे आपां अप्लाई करन ते हुन जे कल्ली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नु सोचिए ता इस सिचुएशन आई जेड के दे बराबर बनना पर सिमेट्री तो असी ये देख चुके हैं कि आई एक्स आई वाई ना इक्वल है इसका मतलब आप इन 2 आई एक्स लिख सकते हैं या 2 आई वाई भी लिख सकते हैं तो आई जेड कितना है एम आर स्क्वायर रिंग ले एम आर स्क्वायर है और फिर आई एक्स की हो गया एम आर स्क्वायर तो आई एक्स और आई वाई बराबर का मतलब आई वाई भी और नाल ही सोच के देखो प्रूफ हो गया ना प्लस अगली गल जड़ी है कि आ जड़ियां x और y एक्सिस है रिंग दियां ये डायमेट्रिक एक्सिस नहीं है है ना ये डायमेट्रिक एक्सिस है तो इहदा मतलब किसी भी रिंग दा डायमेट्रिक एक्सिस दे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा हां ते जद कि सेंट्रोइडल एक्सिस जेडी की ओदे प्लेन दे परपेंडिकुलर है ओदे अबाउट एम आर स्क्वायर होता ना ये आपा उधर रिजल्ट लिखे भी सी और आज वो रिजल्ट अप्लाई करके थ्योरम नु कट भी ले है ना समझ आई गल अच्छा हुन डायमेट्रिक एक्सिस का अबाउट हां रिंग ले अच्छा हुन अगर इनु इतना ही कन्वर्ट कर लिए डिस्क ले ਤਾਂ ਡਿਸਕ ਲਈ ਇਹ ਹਾਫ ਐਮ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ 1/4 ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ समझ आई है चित्राक्ष आ रही समझ गर्व फोन देखो बेटा फोन में इसे ही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दी एप्लीकेशन दे विच एक और क्वेश्चन ले आ रहे हैं तुम्हारे सामने आ मैं ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर और आ है स्क्वायर दा ज्योमेट्रिकल सेंटर भी दे सेंटर ऑफ मास भी ठीक है बेटा आ मैं एक्सिस नंबर 1 ड्रॉ की थी और इस एक्सिस से अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वन ठीक है
एक्सिस नंबर 2 इधर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है I1 I2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे होंगे है ना सिमेट्री करके बराबर अगर मैं इस एक्सिस का ध्यान दे तो मैं आज ये एक्सिस है ना दिस इज आ वाली एक्सिस तो इस एक्सिस का नाम इनू मैं ना इधर बटा डॉट पाता डॉट इतने की है एक्सिस है ना तो इधर नाम आप आज जेड एक्सिस रख दीजिए तो ये जेड एक्सिस है जेड एक्सिस मतलब इधर परपेंडिकुलर डॉट नाली काम चला लेना कि जेडी डॉट है वो भी एक पर जेडी डॉट एक्सिस होंगी है या क्रॉस वो हमेशा प्लेन दे परपेंडिकुलर होते हैं ये सिंबल्स याद रखने को तुझे इतने लिख लेना एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन और इधर नाम की रखता तुझी क्रॉस यूनिवर्सिटी ना हाँ क्रॉस अंदर नो भी डॉट बाहर नो ये तब दोनों पासे ही है ना एक्सिस जेड एक्सिस तो पॉजिटिव बाहर नो है ना इस करके डॉट ले देखो उत्तर होना तो इतने तुझी जे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करो किधर किधर से अप्लाई कर सकते हैं 1 2 z z ता थोड़ा रिजल्ट i z के बराबर आएगा i1 2 है ना ये आ जाए ना कि i1 i2 बराबर है हाले तो अप्लाई करिए इनू 2 i1 लिख सकते हैं I1 and I2 भी ठीक है अच्छा पढ़ा देखियो इरा मतलब ये बड़ा important question बनना मा तेनू याद रखना ये question दे नाल related गल है देखो पुत्र अगर मैं थोड़े सामने आ एक्सिस ड्रॉ कराएगा नंबर 3 ये भी प्लेन चलाई कर रही है और तुसी समझ गए हैं क्योंकि मैं ये जेड एक्सिस इधर पता क्यों नहीं लगी सी इधर नाल लिख लेना नंबर 3 भी प्लेन ची है क्योंकि अपन आदत पे ही ना टेंडी वाली एक्सिस परपेंडिकुलर होती है वो अच्छा तो ये तो आई थ्री होएगा है ना आई थ्री होएगा क्या आई थ्री और आई वन आई टू बराबर है नहीं इको जाने ना 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 है ना पर कुछ गलाएं या नजर आती है ना वो इतना होनिया नहीं फिजिक्स में आ कौन है आई फोर होगी ये स्क्वायर ही है ना स्क्वायर देने से तो आपको पता है ये डायगोनल होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना मतलब नंबर 3 और नंबर 4 एक्सिस भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है प्लस सिमेट्री करके i3 और i4 का वो बराबर नजर आ रहा है वो देख कोई शक नहीं पर i1 दे i3 बराबर नहीं ना है हां हुन ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਿਸ 3 4 ਤੇ ਜ਼ੈਡ